नमस्कार, लाइव टीवी शिव दर्शन में स्वागत है। इस वक्त हम हैं अभेश कुमार प्रजापति, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वो कल मधुपुर में राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाए काफ़ी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। बताया जाए सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः बताना चाहता हूँ, हमारे नेता, हमारे पार्टी के नेता तो है ही, लेकिन वह देश भर के नेता हैं, जननायक बन चुके हैं, चलता फिरता महात्मा गांधी जी हैं। वह देश के लिए सोचते हैं राहुल गांधी जी, युवाओं के लिए सोचते हैं, किसानों के लिए सोचते हैं, छोटे दुकानदारों के लिए सोचते हैं। कल मैं मधुपुर में उनका जन्मदिन अपने सम्मानित नेता, कार्यकर्ता और सैकड़ों की संख्या में अपने आप उनका जन्मदिन का नाम पर सुनकर वहाँ के स्थानीय लोग भीड़ लगभग उपस्थित हुए थे। हमको लगता है 700-800 भीड़ था कम से कम। और 53 किलो, उनके 53वें जन्मदिन पर 53 किलो हम लोग लड्डू बांटे महात्मा गांधी जी के, महात्मा गांधी चौक पर हम लोग मनाए। और वहाँ हमने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया और गांधी जी को। और इसके बाद मैं 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं, ताकि देश और समाज का भलाई हो सके, देश का उत्थान हो सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, छोटे दुकानदारों का लाभ ज़्यादा हो सके, माता एवं बहनों का इज्जत बच सके। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले हमारे इन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बहनों के साथ जिस तरह से कुलदीप, ये आपका बृजभूषण शरण सिंह, चूंकि बृजभूषण शरण सिंह बोला कि अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे, मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, अभी उनका नारा कहाँ चला गया। आप देखे होंगे 3 महीना से हमारा मणिपुर जल रहा है, लेकिन मोदी जी आज अमेरिका दौरा पर जा रहे हैं। उनको देश में क्या घटना घटित हो रहा है, उनको बेरोजगारी, महंगाई और हजारों की संख्या में हमारे भाई और बंधु वहाँ एक दूसरे को मार काट रहे हैं मणिपुर में, उस पर उनका एक भी बयान अभी तक नहीं आया है। और हम वहाँ गए थे, 3 दिन रह के भी आए, और यह चाणक्य है, कहाँ उनका चाणक्य गिरी चला गया, अभी तक वहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अमेरिका का जो दौरा कर रहे हैं उसको बंद कीजिए और मणिपुर को देखिए। मैं बता रहा हूँ ना, इस बार महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा गोड्डा लोकसभा से, वो कम से कम 3 लाख वोट से जीतेगा, और निशिकांत दुबे यहाँ से 3 लाख वोट से हारेगा।